देखो बच्चों, हमें क्या करना है, एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है क्या, वेक्टर ई। और वेक्टर ई अगर ये होता है तो इसका मतलब वेक्टर ई है यानी कि एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसमें दोनों चीज़ें होगी, एक तो इसके अंदर क्या होगी दिशा भी होगी, और एक इसके अंदर क्या होगा इसका परिमाण भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, दिशा कैलकुलेट करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले दिशा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो दिशा कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले एक आवेशित, देखो सबसे पहले एक आवेशित चालक तार है, माना कि ये एक हमारे पास में आवेशित चालक तार है। अब आवेशित है तो इसका मतलब इस पर कौन सा आवेश मान लिया हमने, धन आवेश मान लिया। ठीक है, और कितनी लंबाई का है भाई, अनंत लंबाई का है। हमें क्या करना है, इसके केंद्र ओ से इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की क्या कैलकुलेट करनी है, पहले दिशा कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दो अल्पांश की कल्पना करेंगे, एक अल्पांश ये वाला हो गया और एक अल्पांश ये वाला हो गया। ठीक है, माना इस अल्पांश के अंदर कितने आवेश होंगे, डी क्यू, और इस आवेश इस अल्पांश में कितने आवेश होंगे, डी क्यू अल्पांश होंगे। तो इस आवेश के कारण धन आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेगी, इससे दूर भागेगी, तो इससे तो जाएगी इधर, और इसके कारण किधर जाएगी, इसके कारण भी जाएगी इधर। बात आ गई समझ में, तो यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए हमारे पास में। ठीक है, अल्पांश जो है एक का नाम हमने दे दिया ए और दूसरा नाम हमने दे दिया ए डैश, अल्पांश जो है वो हमारे पास है डी ए और डी ए डैश। ठीक है, तो डी ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, मान लो वेक्टर डी ई, इसकी डायरेक्शन ये होगी, और इसके कारण जो जाएगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डी ई डैश। अब चूंकि ये त्रियक है तो इन्हें इनके घटकों में क्या कर देते हैं, अपन वियोजित कर देते हैं। माना ये कोण कितना है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों अल्पांश जो है वो मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है, समान दूरी पर है। ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा भाई, थीटा। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र के कितने घटक बनेंगे, चार घटक बनेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो वेक्टर डी है इसके दो घटक कौन से होंगे, एक तो होगा इसका घटक ये वाला, और एक इसका होगा उर्ध्व घटक ये वाला। तो 36 घटकों का जो थीटा कोण बना रहा है वो तो कितना हो जाएगा भाई, डी ई कॉस थीटा, और ये वाला घटक कितना होगा, ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अब ये जो वाला डी ई वेक्टर डी ई है, ये डी ई, इसके भी दो घटक बनेंगे, तो इसका एक उर्ध्व घटक तो होगा ये वाला। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा भाई, डी ई कॉस थीटा, और इसका जो एक उर्ध्व घटक बनेगा वो बनेगा कहाँ पर, नीचे, ये कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। तो दोनों विद्युत क्षेत्रों को जब हमने किसमें किया, दोनों विद्युत क्षेत्रों को जब हमने उनके घटकों में वियोजित किया तो हमने देखा किनके उर्ध्व घटक, यानी कि डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा, ये परिमाण में तो समान है लेकिन इनके दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इस अनंत देह की आवेशित लंबे तार चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो केवल कहाँ होगा, डी ई कोस थीटा, और डी ई कोस थीटा यानी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो ये जुड़ जाएंगे। तो यानी कि आवेशित अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो उसके केवल कहाँ होगी, लंबवत होगी, यानी कि दिशा जो होगी वो कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र की तार के लंबवत होगी। ठीक है, क्लियर है, तो ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हमने क्या कर लिया, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर ली। अब हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे भाई, अब हम इसका परिमाण कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमने दिशा ज्ञात करी, हमें दिशा पता लग गई विद्युत क्षेत्र की, कुछ आवेशित चालक तार की क्या होगी, लंबवत होगी। अब हम इसका क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, परिमाण। तो परिमाण कैसे कैलकुलेट करेंगे विद्युत क्षेत्र का, देखिए कि ये अनंत लंबाई का जो आवेशित तार था, ठीक है, इस तरीके से था ये, तो ये कैसे है,
हमें किसके नियम से कैलकुलेट करना है, गाउस के नियम से। गाउस का नियम केवल तभी लगता है जब पृष्ठ कैसा होगा, हमारा बद्ध होगा। तो ये आवेश तो खुले हैं, ये बद्ध नहीं है, तो इसके लिए हम किसकी कल्पना करेंगे, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हमने एक किसे एल लंबाई के बेलनाकार किसकी कल्पना कर ली, गाउसियन पृष्ठ की एक कल्पना की। किसी कल्पना की, एल लंबाई के गाउसियन पृष्ठ की, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। और बिंदु पी जो है वो तार से स्मॉल आर दूरी पर स्थित था, और माने इस तार की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है भाई, इस तार की लंबाई है स्मॉल एल। तो एल लंबाई के एक गाउसियन बेलनाकार पृष्ठ की हमने क्या कर डाली, कल्पना कर डाली, ठीक है। तो गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या अपन दूसरे शब्दों में बात करें तो फाई को क्या लिख सकते हैं अपन, कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर अपन फोकस करें किस पर, डी एस, डी एस का मतलब क्या है, क्षेत्रफल, डी एस का मतलब क्या है भाई, क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर कितने क्षेत्रफल, डी एस का मतलब क्या है, क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास तीन क्षेत्रफल है, एक तो ये वृत्ताकार क्षेत्रफल हो गया एक, एक हो गया ये दूसरा, ठीक है एस टू, और एक हो गया हमारे पास इसका वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल एस थ्री। तो तीन क्षेत्रफल है, तो इस तीन क्षेत्रफल होने की वजह से ये जो इंटीग्रेशन है कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दिस इंटीग्रेशन विल बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा थ्री पार्ट्स में डिवाइड, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस फॉर किसके लिए, एस वन के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से फिर डिवाइड होगा किसके लिए बेटा, कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ एस टू क्षेत्रफल के लिए, कितना हो गया ये वेक्टर ई डॉट डी एस, और इसी तरीके से किसके लिए डिवाइड हो जाएगा, थर्ड पार्ट के लिए डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना है, इक्वल में हमारा चल रहा है क्यू अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। तीन इंटीग्रेशन हो गए, क्लियर है। तो तीन इंटीग्रेशन हो गए, तब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीनों इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब हम इनको, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई, हमारे पास क्या हुआ था, एक बेलनाकार पृष्ठ था, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, इस तरीके से एक आवेशित पृष्ठ था, ठीक है, और हमें इसके केंद्र ओर से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना था, परिमाण ज्ञात करना था। इसकी लंबाई कितनी थी एल, और इसकी त्रिज्या कितनी थी स्मॉल आर थी, और यहाँ पर तीन पृष्ठ थे, ठीक है, कितने पृष्ठ थे, तीन पृष्ठ थे, ठीक है, कौन कौन से थे भाई, एक तो था हमारे पास में एस वन, एक था हमारे पास में एस टू, एक पृष्ठ था हमारे पास में कौन सा एस थ्री, और हमारे पास में जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चल रहा था तो वो तीन पृष्ठों के लिए रहा था, तो उसको हम सॉल्व जब कर रहे थे तो कंटूर इंटीग्रेशन हो रहा था, कितना अपने पास बैठा एस वन के लिए कितना था ई डॉट डी एस था, तो डी एस को अपन ने क्या लिख दिया, डॉट डी एस है, तो इसका मतलब आगे देखिए ई डी एस कॉस कितना थीटा, प्लस इसी तरीके से किसके लिए एस टू के लिए, एस टू के लिए भी कितना हो जाएगा ई डी एस
कॉस थीटा प्लस इसी तरीके से किसके लिए हो जाएगा, एस थ्री के लिए कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल में कितना चल रहा था अपना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, हर एक क्षेत्रफल में ई इस ई और इस डी एस के बीच का क्या कैलकुलेट करना है, क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो मतलब सॉरी इनके बीच का कोण कैलकुलेट करना है। तो एस वन के अंदर अपन बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो तार के क्या थी, लंबवत थी, तो यानी कि वेक्टर ई की डायरेक्शन तो ये होगी। ठीक है, और क्षेत्रफल जो होता है डी एस वो हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत। तो इसके लिए डी एस कहाँ होगा, इसके लिए डी एस होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा। ये तो एस वन के लिए तो ये हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। इसी तरीके से अपन एस टू की बात करें, ठीक है, तो एस टू की जब अपन बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो क्या होगी, पृष्ठ के तार के लंबवत होगी, यानी कि वेक्टर ही तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन डी एस की बात करें तो डी एस कहाँ होगा, डी एस पृष्ठ के लंबवत होगा। तो डी एस पृष्ठ के लंबवत कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा डी एस, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यानी ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अपन अगर एस थ्री पृष्ठ की बात करें तो एस थ्री पृष्ठ के अंदर भी क्या होगा कि वेक्टर ई की दिशा तो इस तार के कहाँ होगी, लंबवत, यानी वेक्टर ई तो इधर ही जाएगा, और डी एस भी कहाँ होगा, पृष्ठ के लंबवत। पृष्ठ के लंबवत होने की वजह से डी एस भी किधर जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो एस थ्री के अंदर यानी कि यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। क्लियर है, तो देखो अब जो मेरे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बचेगा वो किस तरीके से बचेगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ये तो कितना हो गया बेटा, कॉस एस वन में आप चेक करो, एस वन में कितने डिग्री का एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है ई और डी एस के बीच का, तो ये तो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। प्लस इसी तरीके से अपन बात करेंगे किसकी, एस टू की, एस टू में कितने डिग्री का एंगल आ रहा है, एस टू में भी 90 डिग्री का एंगल आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। प्लस इसी तरीके से कहाँ पर बात कर रहे हैं, अब हम एस थ्री की बात कर रहे हैं, तो एस थ्री में कितना हो जाएगा, एस थ्री में ये हो जाएगा ई डी एस कॉस कितना, 0 डिग्री, इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। तो ये दोनों इंटीग्रेशन तो अपने को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे पास टर्म कितनी बची, केवल ये वाली टर्म रह जाएगी खाली नेक्स्ट स्टेप में, ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इसको ही केवल क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। ठीक है, केवल इसको क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे हम जो है सॉल्व आउट कर लेते हैं। हमारे पास आ रहा है ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या चल रहा था, मेरे पास इंटीग्रेशन चल रहा था इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बात चल रही थी किसकी, एस थ्री पृष्ठ की। ई उड़ के बाहर आ गया क्योंकि हमें किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, केवल डी एस के सापेक्ष। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, तो कितना बच गया, केवल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एस थ्री, एस थ्री क्या था, एस थ्री जो था वो बेलन का क्या था, वक्र पृष्ठ था। अरे एस थ्री क्या था हमारे, बेलन का वक्र पृष्ठ। ये बेलन था अपना, ये ऊपर वाला एस वन था, नीचे वाला एस टू था, और ये एस थ्री था। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कितना, 2πRL। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था, 2πRL इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो क्या याद करना है, हमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आगे इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी देखो क्यू तो ऐसे कैसे है ही है, अपॉन 2πRL नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2πRL एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि
हमें पता है अनंत लंबाई का आवेश एक तार है, तो तार है जो लंबाई का है, लंबाई का है तो इस पर रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो क्यू की ये वाली वैल्यू जो है लैम्डा अपॉन एल हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉरी इक्वल टू मेरे पास आएगा कितना, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, एल सेल का मामला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ई बराबर, ठीक है, मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास अब बच गया कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज में जाके देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब आगे कैसे सॉल्व होगा, ये अभी मेरे पास ई बराबर क्या आ रहा है, मेरे पास ई इक्वल टू आ रहा है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मैंने क्या किया नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 से जब नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा आर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ, तो ई इक्वल टू कितना बन जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन कितना आर। अरे भाई मुझे पता है ना कि सिंस के इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने क्या क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, के सब्सटीट्यूट कर दिया, अनंत लंबाई के देखिए आपसे तार के कारण क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, 2 के लैम्डा अपॉन आर आएगी। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है ई जो होता है वो आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम ई और आर के बीच में ग्राफ बनाएं तो ये तो रहा आर और ये रहा कौन, ई, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनता है क्या, पैराबोला। तो इस तरीके से हमारी पूरी डेरिवेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।